बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी आयनो, रक्स किचन विच सारे दोस्तों नूं खुश आमदीद। रक्स किचन विच अज असीं बर्गर बनावांगे, अंडे वाले सादा बर्गर। बिल्कुल आसान रेसिपी है और बाजार तरह के बेहतरीन अंडे वाले बर्गर तुसीं घर बड़ी आसानी नाल बना सकते हो। तो या फिर शुरू करिए कि सादा बर्गर अंडे वाले किस तरह बनाने। सानूं चार पाँच अंडे चाहिए, तो इहदे अंदर सादा बर्गर चाहिए। उस तो अलावा सानू मायनीज चाहिए है, तो थोड़ा जहा कैचअप चाहिए। बंद गोभी बरीक कटी हुई, तो टमाटर इस तरह कटे हुए, तो बरीक स्लाइस में कटिया हुआ प्याज चाहिए। एक बॉल में तुसी चमची का चौथा हिस्सा हल्दी पा लो, अद्धी चम्मच मिर्च की, चमची का चौथा हिस्सा काली मिर्च, जीरा पाउडर आधा चम्मच, तो एक चम्मच नमक का, तो दो चम्मच तुसी तकरीबन दुध पा लो। तो सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स कर लो। मसाले मिक्स हो गए, तो हुण असीं इहदे विच पंज अंडे जिहड़े आ उह फेंट के शामिल कर देंगे। हुण असीं इस अंडे का आमलेट बनावांगे। फ्री पैन च थोड़ा जिहा तेल पा के गर्म कर लो। तो फेंटिया हुआ अंडा थोड़ा जिहा पा लो, तो रोटी की तरह आमलेट बना लो तीन चार जिहड़े असीं बर्गर विच लगाने आ। आमलेट नूं एक दफ़ा पलट दिओ, इस तरह सेंटर चों कट लो, कट के ते पलट लो। आमलेट साडा तैयार हो गया। हुण इस फ्राई पैन विच असीं बंद थोड़े थोड़े गर्म करांगे। चूल्हे नूं बंद कर लैणा, फ्राई पैन साडा गर्म है, इहदे विच असीं हल्के हल्के दोनों साइडां तों बंदा नूं गर्म कर लैंदे। हुण बर्गर दे एक हिस्से ते असीं कैचअप लगाने आ। इस तरह अच्छी तरह कैचअप जिहड़ी आ उह लगा लो। तो बर्गर दूसरे हिस्से ते मायनीज लगा लैंदे आ। ते इन्हां दोनों बर्गरां नूं असीं दोबारा फिर फ्राई पैन च रख लाँगे, क्योंकि फ्राई पैन साडा हाले भी थोड़ा जिहा गर्म है। थोड़ी जी बंद गोभी लगाओ पहले। बंद गोभी लगाउण तों बाद थोड़ा जिहा टमाटर लगा लो। उत्ते अंडे दा आमलेट लगाओ, आमलेट दे उत्ते थोड़ा जिहा प्याज लगाओ, तो थोड़ी जी मजीद बंद गोभी लगा दो। तो दूसरा बर्गर ये उत्ते उल्टा रख दो, तो साडा अंडे वाला बर्गर तैयार हो गया। अगर तुसी मेरे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो बड़ी मेहरबानी सबसक्राइब जरूर कर दिओ, ते नाल बैल वाले बटन नूं भी दबा दिया करो, ताकि मेरी नोटिफिकेशन जिहड़े आ वीडियो दे उह तुहानूं सब तों पहले पहुँच जाया करन। वीडियो देखण दा बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।